नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई ओमान से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ओमान का कोरोना अपडेट के बारे में बात करेंगे, फ्लाइट के बारे में बात करेंगे, वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे, ओमान में कितने लोगों की जॉब अभी तक जा चुकी है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चार टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कोरोना अपडेट के रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके बिना इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड चल रहा है। तो कोरोना अपडेट आप स्क्रीन पे देखते हैं। ओमान की अगर बात करें तो अभी तक के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 80,713 अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो 70,910 यानी लगभग 71,000 बंदे रिकवर हो चुके हैं, और एवरेज देखिए तो लगभग 10,000 आंकड़े का फर्क डिस्परेंस चल रहा है। 10,000 आंकड़े इसमें ये दिखाया गया है कि भाई 10,000 अभी तक पेंडिंग केस है, एक्टिव केस 10,000 ही हैं, बाकी लगभग रिकवर हो गए हैं 71,000 के करीब। तो ये अच्छी न्यूज़ है। और अगर डेथ की बात करें तो लगभग 492, जी हाँ 492 डेथ अभी तक लोगों की हुई है। तो ये डेथ रेशियो भी बहुत कम है, इसको ज़्यादा नहीं मान सकते, एवरेज भी ठीक है भाई 10,000 का है। तो उम्मीद है कि इस महीने में कोरोना ख़त्म होने के चांसेस पूरे हैं। ओमान से अब तक लगभग, जी हाँ साथियों, लगभग ओमान में 6,00,000-7,00,000 के करीब बंदे मेरे हिसाब से हैं, इतने लोग इंडिया के जॉब कर रहे हैं। उनमें से बात करें तो लगभग अब तक अगर देखा जाए तो 46,000 बंदे ओमान से इंडिया आ चुके हैं जॉब छोड़ के। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने लगभग 15 साल 10 साल 20 साल से जो लोग जॉब वहाँ पे कर रहे थे, जो ये मान लीजिए अपना घर समझ के वहाँ पे काम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने तो घर भी अपने तरीके से सेटिंग कर रखे थे, यानी बहुत सारी इतनी प्रॉब्लम होनी कि उनको घर भी अपने वापस, लोगों को जो भी थे वापस रिटर्न करना पड़ा, कार वगैरह लोगों ने ले रखी थी उनको सेल करना पड़ा, बहुत सारा फर्नीचर लोगों ने ले रखा था अपने घर की तरह उसको भी एक तरीके से आपातकाल स्थिति में सेल करके इंडिया आना पड़ा। जी हाँ, हालांकि लोगों ने बोला कंपनी ने हमें सैलरी दे दी है इंडिया के लिए, बोल दिया कि भाई आप इंडिया जा सकते हो, हमारे लिए बैठे बैठे लोगों को सैलरी देना असंभव है, कंपनी सबको सैलरी नहीं दे सकती लंबे समय के लिए। तो भाई 46,000 लोगों का अब तक ओमान से जॉब जा चुका है जो इंडिया आ चुके हैं, ये एक डेटा रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब भाई बात कर लेते हैं कि ओमान ने एंट्री स्टार्ट कर दी है वीज़ा से रिलेटेड, जो वर्क परमिट वीज़ा वाले थे वो ओमान जा सकते हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, COVID-19 रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, आपको इंडियन एम्बेसी से आपको अथॉरिटी आपको लेनी पड़ेगी जाने के लिए ओमान। तो ये अच्छी न्यूज़ है भाई, ओमान के लिए फ़्लाइटें भी इंडिया से स्टार्ट हैं, वर्क परमिट वाले अभी जा सकते हैं, आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। और उधर से भी भैया फ़्लाइटें तो अभी वंदे भारत मिशन 5 के तहत बहुत फ़्लाइटें आ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता फ़्लाइटों की कोई किसी कंट्री में दिक्कत आने वाली है। तो बस ये 3-4 अपडेट थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।